गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है 23 मार्च 2020 और दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर्स की जो सीरीज शुरू की थी अपने साल 2020 के अंदर, उसका दोस्तों आज सेशन नंबर 83 है। तो चलिए दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर्स का आज का अपना सेशन शुरू करते हैं इन चंद मोटिवेशनल लाइन के साथ। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तो होती तो है तकलीफ, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है। लेकिन दोस्तों ठोकरे ही है जो इंसान को चलना सिखाती है। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ दोस्तों आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों कल का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे था कि किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने हाल ही में एससी और एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है, प्रमोशन में आरक्षण को हटा दिया गया है। एससी और एसटी के कर्मचारियों के जो प्रमोशन में जो आरक्षण मिलता था, पदोन्नति में जो आरक्षण मिलता था, उसको हटा दिया गया। कौन सी गवर्नमेंट द्वारा हटाया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में एससी और एसटी कैंडिडेट के कर्मचारियों के लिए जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था उसको उसके द्वारा हटा दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया है। अपनी सरकार के 3 साल पूरा होने पर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने यह बड़ा फैसला हाल ही में दोस्तों लिया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर एक है, सिंगापुर में जुलाई में आयोजित किया जाएगा 7वां वर्ल्ड सिटी समिट। 7वां वर्ल्ड सिटी समिट दोस्तों सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा और जुलाई में इसका आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक प्रशासन और शहरों के सतत विकास का 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी वर्ल्ड सिटी समिट WCS सिंगापुर में 5 से 9 जुलाई 2020 तक इसका आयोजन वहां पर किया जाएगा। और दोस्तों इस साल 2020 का इसका जो थीम होगा, इसका जो विषय होगा, वह होगा लाइएबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडेप्टिंग टू ए डिसरप्टेड वर्ल्ड, यह इसका विषय होगा। इसे सिंगापुर के सेंटर फॉर लाइएबल सिटीज और शहरी पुनर्विकास प्राधिकरण द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों अपना, मणिकरण पावर बना इंडिया गैस एक्सचेंज का पहला सदस्य। इंडिया गैस एक्सचेंज का पहला सदस्य बना है मणिकरण पावर लिमिटेड। मणिकरण पावर लिमिटेड MPL इंडियन गैस एक्सचेंज IGX के नाम प्रख्यात भारत के पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पहला सदस्य बन गया है। IGX भारतीय ऊर्जा विनिमय इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का अंग है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का ये अंग है। इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड कुशल और टिकाऊ गैस बाजार को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने और देश में गैस व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत का पहला स्वचालित राष्ट्रीय स्तर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की बात करें दोस्तों, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की स्थापना 2008 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके वर्तमान में MD और CEO है वह राजीव श्रीवास्तव। राजीव श्रीवास्तव वर्तमान में इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के MD और CEO है। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों अपना, मनसुख मंडाविया ने महाराष्ट्र में लॉन्च किया है रोपेक्स यात्री नौका सेवा। रोपेक्स यात्री नौका सेवा महाराष्ट्र से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना है। केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा मुंबई और मंडवा महाराष्ट्र के बीच रोपेक्स यात्री नौका सेवा फेरी सर्विसेज शुरू की गई। ग्रीस में बना यह जहाज 200 कारों और 1000 यात्रियों को ले जा सकता है और मानसून के दौरान भी यह चलने में सक्षम है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है ही और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव बाल ठाकरे। उद्धव बाल ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है और वहाँ के राज्यपाल है वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी और वहाँ पे दोस्तों उप प्रमुख भी उप मुख्यमंत्री भी बना रखा है वो है अजीत अनंत राव पवार। अजीत अनंत राव पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, गूगल क्लाउड ने दिल्ली में क्लाउड रीजन नेटवर्क सुविधा शुरू करने की हाल ही में घोषणा की है। सर्च इंजन कंपनी गूगल क्लाउड ने दिल्ली में क्लाउड रीजन विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की। यह गूगल
यह गूगल का भारत में दूसरा क्लाउड रीजन होगा। दिल्ली में घोषणा की गई है दोस्तों, दिल्ली में गूगल क्लाउड ने दिल्ली में क्लाउड रीजन विकसित करने की घोषणा की। यह गूगल का भारत में दूसरा क्लाउड रीजन होगा, पहला कहा है फिर दोस्तों। इससे 3 साल पहले गूगल ने 2017 में मुंबई में इससे पहले लॉन्च किया था। क्लाउड रीजन सबसे पहले मुंबई शहर में विकसित किया गया, अब दूसरे की घोषणा की गई है दिल्ली में। तो गूगल की बात करें दोस्तों, तो गूगल के सीईओ है वर्तमान में सुंदर पिचई, गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई, और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में गूगल का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों अपना, देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में। गुजरात देश में छत पर सोलर पैनल लगाने के मामले में 64% सौर रूफटॉप स्थापित करने के साथ छत पर सोलर पैनल लगाने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर दोस्तों गुजरात इसमें रहा है। राज्य में 2 मार्च 2020 तक छतों पर लगभग 50,915 पैनल लगाए जा चुके हैं। गुजरात सरकार 2022 तक इस योजना के तहत लगभग 8 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कवर करने के लिए सूर्य गुजरात अभियान वहां पर चला रही है, सूर्य गुजरात अभियान। गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में विजय रूपानी, विजय रूपानी गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, राज्यपाल है गुजरात के आचार्य देवव्रत। राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। और दोस्तों गीर वन्य जीव अभ्यारण है वहाँ पर गुजरात के अंदर, गीर वन्य जीव अभ्यारण भारत के गुजरात में राज्य स्थित, गुजरात राज्य में स्थित, ये थोड़ा लैंग्वेज में या मिसमैच है, गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य प्राणी अभ्यारण है, जिसे एशिया में सिंहों का एक मात्र निवास स्थान जिसको माना जाता है, बब्बर शेर जिसको वहां पे बोला जाता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण ध्यान रखना दोस्तों कौन से स्टेट में, गुजरात में स्थित है। अगला है दोस्तों अपना निगा ऐप, निगा ऐप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में धन और शराब के इस्तेमाल पर रोक लगाकर स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव कराने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। NIGHA निगा ऐप को लॉन्च किया है चुनाव, स्वच्छ चुनाव करवाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वर्तमान में YS जगमोहन रेड्डी और राज्यपाल आंध्र प्रदेश के विश्वाभूषण हरिश्चंदन, विश्वाभूषण हरिश्चंद्र आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। और राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और दोस्तों ध्यान रखना है कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, यह एक सोलर पार्क है कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जो कौन से स्टेट में स्थित है, आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों अपना, फोन पे ने UPI लेनदेन की सुविधा के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। दोस्तों इससे पहले फोन पे ने यस बैंक के साथ ग्राहकों को यह सुविधा मुहैया कराने के साथ की साझेदारी की थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने, अपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यस बैंक पर अस्थायी बैन लगाने के कारण अब फोन पे ने क्या किया दोस्तों, UPI लेन देन की सुविधा देने के लिए ICICI बैंक के साथ अब यह साझेदारी की है। तो ध्यान रखना दोस्तों पहले यस बैंक के साथ की थी, तो वो अब ICICI बैंक के साथ की है। यस बैंक के साथ क्यों साझेदारी खत्म हो गई, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर अस्थायी कारणों के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। फोन पे की बात करें दोस्तों, फोन पे का जो मूल संगठन है वो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ही इसका मूल संगठन है और इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में की गई थी। फोन पे की स्थापना दिसंबर 2015 में की गई थी और इसके जो सीईओ है वह है समीर निगम, समीर निगम फोन पे के वर्तमान में सीईओ है और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर शहर में फोन पे का मुख्यालय स्थित है, कर्नाटक के बेंगलोर शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है फोनपे का। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों अपना, WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हुए बायजूज रविंद्र और गौरव गुप्ता, बायजू क्लासेस के संस्थापक बायजूज रविंद्रन और जोमेटो के संस्थापक गौरव गुप्ता, ध्यान रखना है दोस्तों बायजूज क्लासेस के संस्थापक है बायजूज रविंद्रन और जोमेटो के संस्थापक है गौरव गुप्ता, उन 5 भारतीयों में शामिल है जिन्हें विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली 115 युवा वैश्विक नेताओं की नई सूची में शामिल किया गया है।
दोस्तों विश्व आर्थिक मंच ने 115 युवा वैश्विक नेताओं की एक सूची जारी की गई है, जिसके अंदर पांच भारतीयों को उसके अंदर रखा गया है। पहला उसमें है बायजूस क्लासेस के संस्थापक बायजूस रविंदर, दूसरा है उसमें जोमेटो के संस्थापक गौरव गुप्ता, और इसके अलावा तीन और अन्य भारतीयों को रखा गया, जिनका डिटेल में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तीसरा इस सूची में रखा गया तारा सिंह वचानी को। तारा सिंह वचानी अंतरा सीनियर लिविंग की सीईओ है। वचानी की अगुवाई वाली अंतरा सीनियर लिविंग कंपनी वरिष्ठ नागरिकों का जीवन स्तर, दिनचर्या और स्वास्थ्य बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है। साथ ही इसे पहले भारतीय उद्यम के रूप में भी जाना जाता है, जो जीवंत आवासीय समुदायों का निर्माण करता है, जो स्वास्थ्य देखभाल के साथ जीवन शैली प्रदान करता है। इसी के साथ ही सूची में चौथे भारतीय को रखा गया, उनका नाम है विनती मुत्रेजा। विनती मुत्रेजा प्रबंध निर्देशक और सीईओ है विनती और ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। मुत्रेजा की अगुवाई वाली विनती ऑर्गेनिक्स रसायन क्षेत्र की कंपनी है। उन्होंने पर्यावरण हितैषी रासायनिक क्रियाओं और उत्पादों के चयन के लिए एक नवोन्मेषी तरीका विकसित किया है। इसके साथ ही दोस्तों पांचवा इस सूची में भारतीय वह है स्वपन मेहरा। स्वपन मेहरा जो है वो सीईओ है इयोरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के। मेहरा के नेतृत्व वाली अयोरा देश में जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संरक्षण की दिशा में काम करती है। तो ये दोस्तों पांच भारतीय को इस सूची में शामिल किया गया है। अपन ने पढ़ा दोस्तों कि यह सूची है जो किसने जारी की है, विश्व आर्थिक मंच WEF ने यह सूची जारी की है। तो WEF की दोस्तों अपन थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है विश्व आर्थिक मंच है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के कोलोन में स्थित है। कोलोन जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, और इसके जो संस्थापक है विश्व आर्थिक मंच के वह है क्लाउस श्वाब। क्लाउस श्वाब इसके संस्थापक है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह है बोर्गे ब्रेंडे। बोर्गे ब्रेंडे इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, और विश्व आर्थिक मंच की दोस्तों स्थापना January 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों अपना ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 18 मार्च 2018 में ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग द्वारा मनाया गया, जिसके बाद इसे अब हर साल विश्व स्तर पर रिसाइकलिंग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले 18 में मनाया गया, तो इस बार ये कितने नंबर का मनाया गया? तीसरे नंबर का मनाया गया है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च, तीसरा था ये, तीसरा ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च। और इसकी जो थीम रखी गई थी इस बार वह रिसाइकलिंग हीरोज। रिसाइकलिंग हीरोज इसकी इस बार की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपना एक पुस्तक है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। यह भालचंद्र मुंगेकर द्वारा लिखित पुस्तक है। भालचंद्र मुंगेकर द्वारा लिखित पुस्तक माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट है, और दोस्तों ये हाल ही में इसका विमोचन किया गया इस पुस्तक का, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। भालचंद्र मुंगेकर भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व राज्यसभा के ये सदस्य रह चुके। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है। आपको दोस्तों बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों आज आपको आज का वीडियो कैसा लगा? दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो की दोस्तों यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है, इसके जो नोट्स बनाने हैं PDF चाहिए आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल वाले बटन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।